हाँ सर, अंडमान आया, आपको कैसा लगा था सर अंडमान का? आपको जो टूर जो भी है, हम लोग जितना सेवा दिया था, आपको कैसा लगा है? सिल्वराज जी का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। जितना प्रॉमिस किया उससे ज्यादा सर्विस दिया। इन्होंने बोला था मैं आपका व्हीकल और ये फूड मील सब अरेंज करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा काम भी मैंने कई बार इनको बोला कि ये हमारे प्लान में नहीं, वो भी इन्होंने करके दिया। मतलब इतना बढ़िया सर्विस फेरी के, का किराया, फेरी का जो रेंट वेंट सब कुछ सब कुछ पूरा इन्होंने पैकेज में मैनेज था किया। और बहुत बढ़िया मैनेज किया, बहुत अच्छा। और मेरे को तो अंडमान आके ऐसा लगा कि इंडिया में जरूर सबको एक बार अंडमान आना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर ग्रेट, पोर्ट ब्लेयर वंडरफुल। उसके बाद हम गए थे हैवलॉक, नील, सब तीनों आइलैंड इतने सुंदर, तीनों इतने में होटल ब्लू, सर्विस बहुत बढ़िया थी। खाना बहुत बढ़िया था। और सिल्वर राज जी का तो क्या कहना, हर जगह हमें बुके से मेरा वहां पर स्वागत किया। कौन आज के जमाने में ऐसा करता है? और जाते समय भी हर जगह पूछते रहते हैं, हर रोज फोन करते हैं, दिन में 4 बार ही, सब ठीक है सर? तो ये पोर्ट ब्लेयर से मुझे हैवलॉक फोन करते थे, सब सर्विस सही मिला सर, सब सर्विस गाड़ी पहुंच गया सर। मैं हैरान हो गया यार, इतना कौन केयर करता है। अच्छा लगा सिल्वर राज जी का सारा बिहेवियर। खाने के बारे में मैडम बताएंगे? खाना बहुत अच्छा था, हमने पोर्ट ब्लेयर में खाना खाया। यहाँ का होटल, होटल की सर्विस और खाना बहुत अच्छा था। रूम्स बहुत अच्छे थे, रूम्स को देख के मन खुश हो गया हमारा। थैंक यू सिल्वर राज जी, आपकी बदौलत हमारा टूर बहुत अच्छा हुआ। स्पेशली वो नील वाला जो होटल था, बहुत कमाल का, फर्स्ट क्लास रिजॉर्ट था वो। स्विमिंग पूल हर जगह है और एवरीथिंग वाज वेरी नाइस एंजॉयबल। पैसा लगा कि मजा आ गया, पैसा लगा के ऐसी जगह सबको पैसा लगाना चाहिए। सिल्वर राज जी का तो बस कहने की, उनकी वजह से हुआ सारा टूर बहुत बढ़िया।